दिसंबर का लास्ट वीक है, बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड की वजह से पौधों का हाल बहुत ही खराब हो चुका है। पत्ते देखिए कैसे मुरझाने लगे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ सब्जियां अभी भी मेरे गार्डन में से बड़े आराम से मुझे मिल रही हैं और उसमें से है ये फूल गोभी। इस फूल गोभी को मैंने इस बड़े ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसका फूल का साइज भी काफ़ी अच्छा आया है। दो फूल मैं पहले हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, आज इस फूल को भी मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो गोभी तो बहुत बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं, बीज लाकर उससे भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड बीज लगाइए, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो आप तैयार पौध लाकर भी इसको उगा सकते हैं। गोभी को आप जितने बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे उतना बढ़िया फूल बनेगा। लेकिन कई बार गोभी की किस्म क्या है, आपने कौन से बीज लगाए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है गोभी के फूल का साइज। तो ये बड़े ग्रो बैग में है, इसकी जड़ें देखिए कितनी डीप चली गई थी। मिट्टी आप जितनी पोषक रखेंगे उतनी ही रूट्स अच्छी डिवेल्प होंगी, और भुरभुरी होगी मिट्टी तो रूट्स अच्छी डिवेल्प होंगी, पोषक तत्वों से भरपूर होगी तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ये गोभी का फूल हमने हार्वेस्ट कर लिया है, ये एक फूल। अभी मैंने और भी गोभी लगाई हुई है यहाँ पर, इसमें अभी फूल बना नहीं है। एक इधर गोभी लगी है तो इसको भी बड़े ग्रो बैग में लगाया है, लेकिन इसमें बैंगन का भी एक बड़ा सा प्लांट लगा हुआ है तो इसमें फूल उतना बड़ा नहीं बना है, लेकिन ये और बढ़ेगा भी नहीं क्योंकि आप देखिए कि ये थोड़ा सा बिखरने लगा है। तो जब ये बिखरने लगे तो समझ लीजिए कि ये अब पकने लगा है, ये हार्ड हो जाएगी, तो उससे पहले ही आपको इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। तो इस फूल को भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। इसी तरह इस ग्रो बैग में भी मैंने दो गोभी के ये पौधे लगाए थे, इसको भी हम निकाल लेंगे और ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो ये नुकसान ज़रूर होता है जब आप पौध लेकर आते हैं और एक साथ वो सारी पौध हम लगा देते हैं तो इकट्ठे ही सारे फूल तैयार हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज मुझे ये फूल भी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो ये हो गई जी गोभी की हार्वेस्टिंग, और कितनी बढ़िया गोभी बिना किसी स्प्रे के, बिना कोई केमिकल खाद डाले हुए मुझे अपने इस गार्डन में से ये गोभी मिली है। मैं सारी सब्जियां ऐसे ही उगाती हूँ, मैं कोई केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं कोई केमिकल स्प्रे इन पर नहीं करती हूँ। जो गोभी आप बाज़ार से लेते हो, सब्जी मंडी से लेते हो, वहाँ पर उनको भर भर के स्प्रे करना पड़ता है, कुछ मजबूरी होती है, कुछ उन्होंने कमर्शियली उगाई होती है तो इसलिए वो स्प्रे करते हैं। तो आप घर पर गोभी ज़रूर ट्राई करिए अगर आप गार्डनिंग करते हैं। ज़्यादा झंझट का काम ये है नहीं, सर्दियों में ये होती है, और बस पौध लेकर आइए और लगा दीजिए मिट्टी थोड़ी अच्छी बनाकर। तो अगर ये गोभी की हार्वेस्टिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।